तो भैया पॉपकॉर्न पकड़ लो क्योंकि सफर होने वाला है बहुत जबरदस्त। सो हे गाइस, माय नेम इज कार्तिक त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आई एम करंटली अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट हियर इन लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन। बात शुरू होती है 2018 से, व्हेन आई वाज लाइक यू, जो भी आएंगे आने वाले हैं या फ्यूचर में इन वीडियोज को देखेंगे, कि नीट मैंने दिया। तीसरा अटेम्प्ट था मेरा 2015 में, हुई 12th, 15 लिया, लाइक 12th वाला तो काउंट ही नहीं होता है कि आपने ड्रॉप लिया भी, तो जस्ट 15th में दिया, 16 दिया, 17 दिया, 18 दिया, तीन साल हमने दिए नीट के पेपर एकदम अच्छे से। हाँ अच्छे से पढ़ाई अपने तरफ से पूरी की, वही फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत अप डाउन। लेकिन फिर उसके बाद मेरे दिमाग में कभी अब्रॉड का प्लान था ही नहीं। लाइक आई हैड नो क्लू, उस समय कह लो डेटा फ्री नहीं था, 2016-17 में शायद अंबानी ने जियो लॉन्च किया, तब यूट्यूब का थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा, फिर देखा, फिर भी उस समय लाइक इतने ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स नहीं थे, अब तो सब्जी मंडी की तरह बिकते हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा, सर्च किया, लाइक 2018 तक कुछ प्लानिंग, कुछ प्लॉटिंग अब्रॉड की नहीं थी। मैं नीट देता था, नहीं होता था, फिर सोचता था चलो इस बार नहीं हुआ, अब अगले बार तो ऐसा कर लेना है कि नीट क्या सीधे नीट पीजी फोड़ना है, ज्यादा हो गया, नीट यूजी देना है। फिर उसके बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल 3 महीने 4 महीने 5 महीने तो एकदम पीक पे रहता था, देन देयर यूज टू बी अ डिक्लाइन, शार्प डिक्लाइन, और जैसे जैसे एग्जाम पास आता वैसे वैसे आपकी नर्वसनेस एंग्जाइटी भी बढ़ती जाती। प्लस एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि एग्जाम से 1 महीने पहले होता था आईपीएल, और मैं क्रिकेट का था बहुत बड़ा फैन। मुझे पता है बहुत से लोग कह रहे हैं यार एग्जाम के लिए तुम 1 महीने क्रिकेट नहीं छोड़ सकते थे, ये नहीं छोड़ सकते थे, पर रोहित शर्मा मेरे यहाँ दिल में बसता है। खैर अपार्ट फ्रॉम जोक्स, फिर उसके बाद मैंने थर्ड अटेम्प्ट भी दिया, मेरा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या रीज़न था क्या नहीं था, मैंने अगर अच्छे से और की होती मेरा होता नहीं होता, छोड़ो उसे, आज मैं हूँ, मेरे 3 साल कंप्लीट हो चुके, करंटली आई एम इन 4th ईयर। फिर उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पहले फिर मेरे दिमाग में आया कहाँ अब्रॉड का सोच के कि रशिया यूक्रेन आर वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन। मैंने सोचा कि चलते हैं रशिया, क्यों, क्योंकि अरे ऑफकोर्स यार रशिया बड़ा है, रशिया के पास पावर है, ये है वो है, वो भी छोटी मोटी जगह नहीं, रशिया है। मुझे इतना तो पता था बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो भी बहुत ज़्यादा है, कि 70-80% ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर बाइलिंगुअल, कि वो 3 साल इंग्लिश अगले 3 साल रशियन में पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा मॉस्को चलते हैं, मॉस्को। फिर उसके बाद काफी वीडियोस देखे, इमेजिन भी कर लिया कि मॉस्को की एक यूनिवर्सिटी थी, वहां जाएंगे, वहां पे हॉस्टल में ऐसे रहेंगे, ये मजे आएंगे, वो मजे आएंगे। फिर किसी भले आदमी से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, उसने मुझे सजेशन दिया कि देखो बेटा ये है एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, इसमें आपको इतने ही पैसे इन्वेस्ट करो जितना रिटर्न आपको 6 साल के बाद मिल पाए, और इतना इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मॉस्को वाल बजट वाज लाइक 50-55 लाख जा रहा था, वेरी एक्सपेंसिव जस्ट फॉर MBBS। तो फिर मुझे कहा कि आप यूक्रेन क्यों नहीं ट्राई करते हो, यूक्रेन में स्पेसिफिकली लवीव क्यों नहीं। फिर उसके बाद लवीव की तरफ मैंने देखा, रिसर्च की, सब क्यों, यह दिल से बता रहा हूँ, मैंने कैंपस की फोटो देखी थी और मैंने बोला यस यहाँ अपने को जाना है। फिर मैंने थोड़ा कंपैरिजन किया, नहीं इतने जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने कंपैरिजन शुरू किए, व्हाई यूक्रेन व्हाई नॉट रशिया। देखो सबसे पहले इधर होता था क्रॉक एग्जाम, क्रॉक 1 क्रॉक 2, जो रशिया में नहीं होता है। रशिया में अगर आप जाते हो नॉर्मल पढ़ाई करोगे डिग्री लेके चले आओगे, ठीक, और कोई ऐसा यू नो एग्जाम नहीं होगा कि क्रॉक 1 हो रहा क्रॉक 2 हो रहा, यहाँ पे एटलीस्ट होता है। तो मुझे लगा कि मेरे MCI से पहले 2018 तक MCI था, नेक्स्ट अभी हुआ, कि मैं 2 ऐसे एग्जाम्स दे लूँगा जिससे मेरे थोड़े रिविजन्स तो हो जाएंगे। एंड ऑफकोर्स होता है, आपको इतने क्वेश्चंस रटने होते हैं, याद करने होते हैं, कि वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं कि अगर एक्यूट पैनक्रीटाइटिस है तो कंट्री क्या काल ही देना है। ये मैंने क्रॉक से याद की दवाइयों के नाम, ठीक है। फिर इसी तरह क्रॉक 2 में भी अगले हमारे 4th 5th ईयर के सब्जेक्ट्स आएंगे, फिर उसके बाद जाके अपना देंगे। नेक्स्ट ईयर फीचर रशिया में नहीं था। सेकेंडली अगर मैं पर्सनली इस यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इस वॉज एस्टैब्लिश्ड बैक देन इन 1784, विच वॉज अ वेरी प्रॉमिसिंग फैक्टर, ठीक है। प्लस इंडियंस बहुत कम थे, वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई केम टू दिस यूनिवर्सिटी। जिस साल हम लोग आए थे आई गेस 30-35 लोग हमारे ऊपर होंगे मैक्सिमम,
बस क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि इंडियंस के लिए सीट नहीं होती थी। अब थोड़ी बहुत सीटें बड़ी हैं बट वो भी जल्दी भर जाती हैं, ये रीज़न। सेकेंडली कि मैंने देखा कि यहाँ पे कोई बायलिंगुअल का सीन नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको पढ़ाई इंग्लिश में ही मिलेगी, आइदर इट्स गुड और बैड। खैर, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है कौन सी बुरी, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आइदर यू कैन चेक आउट हियर या तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द ओनली टू गुड मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ यूक्रेन। सेकेंडली, फिर उसके बाद हमने आए, काफ़ी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। प्रॉब्लम जैसे एक यूक्रेन तो चलो चूज़ हो गया, लवीव भी चूज़ हो गई, ज़्यादा कुछ पॉइंट बताने को है नहीं कि रशिया क्यों नहीं, यूक्रेन नहीं, ठीक है, कि ये 10 पॉइंट गिना दे रहा हूँ, 10 पॉइंट्स, व्हाई नॉट टू चूज़ रशिया, नो, वी आर नॉट हेयर टू डिफेम एनी यूनिवर्सिटी और कंट्री, वी हेयर टू डिस्कस अबाउट प्रोस एंड कॉन्स ऑफ आवर ओन, कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट वॉट वी फेस एंड वॉट वी शुड बी अवेयर ऑफ। बचना होगा तो एजेंट से बचना, मैं आया था कर्म से, मेरी लग गई थी। लाइक मेरे साथ तो मुझे याद है दो बंदे जो एयरपोर्ट से आए थे उनको दूसरी ही यूनिवर्सिटी भेज दिया, पर मैंने तभी से डिसाइड किया कि आते ही डे वन से करनी है अपनी जर्नी स्टार्ट और शेयर करना है एक्सपीरियंस अपना, और वो अब तक करते आ रहा हूँ। दिस वॉज द फैक्ट। तो अगर आप भी इस डिलेमा में हो कि ड्रॉप लेने के बाद अब्रॉड आए या इंडिया में रहे, माई ऑनेस्ट ओपिनियन, प्राइवेट कॉलेज मत जाना, चाहे जितना ही पैसा हो, क्योंकि अब नेक्स्ट आ गया है, उतने कम पैसों में, जो उसके हाफ से भी कम पैसों में आप अगर आके एक इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हो, यूरोप में आके रह सकते हो, ये ज़िंदगी ही अलग होगी। अगर आप पिछले 6 सालों में आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप एक अच्छी मेमोरीज़ के साथ एक यहाँ से अच्छी नॉलेज भी लेके जाओगे। फिर आप यहाँ बैठे होगे, इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बच्चा आपके बगल में बैठा होगा, आप दोनों बैठकर साथ में नेक्स्ट दे रहे होगे, देयर इज नो डिफरेंस नाउ। एंड यस, इफ यू आस्क मी, रशिया एंड यूक्रेन, एनी डे यूक्रेन, नॉट ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ कोर्स, लवीव वुड बी माई फर्स्ट चॉइस इफ यू आस्क मी, क्योंकि आई हैव फ्रेंड्स ऑलमोस्ट इन एवरी यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ यूक्रेन। सो यस, दिस वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो। If you need any help, suggestion, feedback, my details are in the description box. Do follow us on Instagram if you want to see how we live here as students, how we, like my story highlights bhi dal rakhi hai, post bhi dal rakhi hai, university ke like human brain ke photos, anatomy sections ke and other stuffs about the city and all. So this was it from this video. Signing off here. Jai Hind, Jai Bharat.